हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल एंडेमिक स्पीसीज. तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं? एंड एंडेमिक स्पीसीज इज फाउंड ओनली इन अ स्पेसिफिक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स. हम ये बोल सकते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही वो मिलेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे. और कुछ ऐसे हो जाते हैं जो किसी जगह के लिए नेटिव हो सकते हैं, वो किसी अगर और जगह पे भी मिल रहे हैं तो हम उनको ये बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे वो नेटिव हैं, बट वो एंडेमिक नहीं है. अगर एंडेमिक है तो वो कहीं और नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन है वहीं पर मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल लायन टेल्ड मकाक जो है वो वेस्टर्न घाट में एंडेमिक है. और एक और इसका एग्जाम्पल है नीलगिरी लंगूर. ये जो है वेस्टर्न घाट में एंडेमिक है, इसके बारे में आप सर्च करेंगे. इसको मैंने वाइल्ड लाइफ में जो है नहीं बताया, तो नीलगिरी लंगूर को आप सर्च करेंगे क्या होता है. नेक्स्ट वन इज द कीस्टोन स्पीसीज. कीस्टोन स्पीसीज इज वन दैट हैज अ डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट ऑन द कम्युनिटीज इन विच इट अकर्स. इनफैक्ट इट डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अदर स्पीसीज इन द कम्युनिटी टू सर्वाइव. अगर कीस्टोन स्पीसीज डिसपियर हो जाते हैं तो जो हमारे स्पीसीज हैं उनकी जो एक्सटिंक्शन की सीरीज मतलब हो सकती है, उन पे जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा एक्सटिंक्शन का, अगर जो कीस्टोन स्पीसीज हैं अगर वो डिसअपियर हो जाते हैं तो. एक्चुअली जो हमारी कम्युनिटी है उसके ऊपर जो कीस्टोन स्पीसीज का काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये जो है वो एक ट्री है, दैट एग्जाम्पल है वाइल्ड ड्यूरैन जो है वो एक ट्री है. अब ये क्या है, ये वेस्टर्न घाट में एंडेमिक है. इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड जो इंसेक्ट्स हैं वो फॉर एग्जाम्पल जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट्स को खाने के लिए यहाँ पे आते हैं. कुछ यहाँ पे रेप्टाइल्स भी मान लीजिए आप, जो कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स दोनों को कंज्यूम करते हैं. यहाँ पे मंकीज भी आते हैं क्योंकि उनको फ्रूट्स वगैरह चाहिए होते हैं. तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे टाइगर्स भी आते हैं क्योंकि इनको जो स्मॉल लेवल पे एनिमल्स है वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि ये ट्री जो है वो फूड के लिए उनको अट्रैक्ट करता है. तो इस तरीके से ये जो एक सीक्वेंसी पूरी बनी हुई है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये डिसअपियर हो जाता है, अगर वाइल्ड ड्यूरैन जो है अगर ये डिसअपियर हो जाता है हमारे इकोसिस्टम से, तो इससे रिलेटेड जितने भी स्पीसीज थे वो सारे के सारे इफेक्ट होंगे और हो सकता है कि कुछ उसमें से डिसअपियर भी हो जाएं. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक एक स्पीसीज जो है वो पूरी की पूरी सीक्वेंस को किस तरीके से अफेक्ट करता है. तो वो होते हैं कीस्टोन स्पीसीज, कि अगर एक के जाने से, एक के डिसअपियर होने से पूरी सीरीज के एक्सटिंक्ट होने के कुछ चांसेस हो सकते हैं. कुछ डिसअपियर हो जाते हैं, कुछ अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन को. तो ये हो गए कीस्टोन स्पीसीज. नेक्स्ट वन इज द इंडिकेटर स्पीसीज. इंडिकेटर स्पीसीज मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था थोड़ा सा. इंडिकेटर स्पीसीज वन हुज प्रेजेंस एब्सेंस एंड एबुडेंस रिफ्लेक्ट्स अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन. हमें इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो, एबसेंस है तो, किस तरीके से मतलब हमारे वहाँ के इन्वायरमेंट क्या सिचुएशन है, वहाँ की जो हेल्थ है उसके बारे में बताते हैं. ये जो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं. अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो ये पहले ही अर्ली साइन, जो अर्ली वार्निंग टाइप है ना, वो दे देते हैं. इनको हम सेंटिनल स्पीसीज भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल लाइकन इसके अंदर आता है. आप ये बोल सकते हो कि जो टॉप प्रीडेटर्स हैं सच ए टाइगर एंड स्नो लेपर्ड भी जो हमारे इंडिकेटर स्पीसीज में आते हैं. और कुछ जैसे लाइक फ्रॉग्स जो है वो भी इंडिकेटर स्पीसीज में आते हैं. मतलब इनकी भी जो अगर नंबर कम हो रहा है तो ये जो फ्रॉग्स हैं वो भी अर्ली वार्निंग देते हैं, अगर मान लो इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है. क्योंकि जो फ्रॉग्स हैं इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड. तो ये मतलब इंडिकेट कर देते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसके बारे में पहले से बता देते हैं. इंडिकेटर स्पीसीज क्या है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बारे में बताते हैं. तो ये आपका इंडिकेटर स्पीसीज हो गया. नेक्स्ट वन इज द इन्वेसिव स्पीसीज. ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. इन्वेसिव स्पीसीज इज एनी प्लांट, फंगस और एनिमल स्पीसीज दैट हैज एंटर्ड एन एरिया टू विच द स्पीसीज इज नॉट नेटिव. ये वो है जो नेटिव नहीं है. इन्वेसिव में मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से बाहर की किसी कंट्री से कुछ सीड्स यहाँ पे लाए, कुछ प्लांट्स लेके आए हैं, तो वो यहाँ के इस एरिया के, इंडिया के वो नहीं है, वो नेटिव नहीं है, वो बाहर से आए हैं. तो किस तरीके से उनका इफेक्ट है ये मैंने आपको थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो वो इन्वेसिव स्पीसीज होते हैं. इस तरीके से आपको जो ये टर्म्स हैं अलग अलग, उनके उनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं. जैसे कि कीस्टोन स्पीसीज क्या है और इंडिकेटर स्पीसीज क्या है, तो अच्छे से इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट टर्म है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ये भी आपका अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है. बस एक ये पॉइंट बचा हुआ था कि क्या क्राइटेरिया है किसी को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बताने के लिए. तो ये एक बार आप देख सकते हैं, सम एरिया ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली रिच इन बायोडाइवर्सिटी विद अ लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, इस तरीके से है. तो इफ सच एन एरिया इज ऑल्सो थ्रेटन्ड विद हैबिटेट लॉस एंड अदर फैक्टर्स डिस्क्राइब अबो इज कॉल्ड अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. आप देख सकते हैं अगर इन फैक्टर्स से अगर वो थ्रेटन्ड है तो. अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन इंटरनेशनल देर आर टू स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. फर्स्ट वन इज द एटलीस्ट 1500 वेस्कुलर प्लांट्स और अ हाई परसेंटेज ऑफ प्लांट्स लाइफ
एज एंडेमिक्स इतना होना चाहिए, प्लांट्स की जो लाइफ है वो हाई परसेंटेज वहाँ पे उस एरिया में एंडेमिक होनी चाहिए. द एरिया मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन, इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी थ्रेटन्ड. तो इंडिया के जो हॉटस्पॉट हैं वो ये हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड निकोबार आइलैंड. इसके बारे में जो 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उनकी जो पूरी लिस्ट है वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, वहाँ से आप उनको चेक कर सकते हैं. जो ये है आपकी MCQs जो हैं, MCQs रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी जो वीडियो है उसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की 35 की जो लिस्ट है वो डाल चुकी हूँ मैं, और उसका लिंक भी नीचे दिया है. उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. नेक्स्ट वन इज़ द इको रीजन्स. इको जोन मैं आपको बता चुकी हूँ. तो ये है इको रीजन्स, अ लार्ज यूनिट ऑफ लैंड और वाटर कंटेनिंग अ जियोग्राफिकली डिस्टिंक्ट असेंबलेज ऑफ स्पीसीज, नेचुरल कम्युनिटीज और इन्वायरमेंटल कंडीशंस. तो एक अलग ही सेपरेट लाइक लार्ज यूनिट हो जाएगी लैंड की या वाटर की, जिसमें ये सारी चीज़ें अलग अलग अवेलेबल हैं. तो आप देख सकते हैं 238 ग्लोबल इको रीजन्स हैं, जिसके अंदर 14 टेरेस्ट्रियल, 7 फ्रेश वाटर और 5 मरीन हैबिटेट भी उसके अंदर इंक्लूड है. तो ये आपका इको रीजन हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज. अब ये कुछ छोटी छोटी सी टर्म हैं जो थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए. एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज क्या है? अ नॉन स्पीसीज हैज़ गोन एक्सटिंक्ट इफ नो मेंबर ऑफ द स्पीसीज इज फाउंड एनी वेयर ऑन द अर्थ. अर्थ पे कहीं पर भी अगर उनका कोई भी मेंबर नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. तो इस तरीके का जो एक्सटिंक्ट है वो कैसे है? बायोलॉजिकल एक्सटिंक्शन है, और बायोलॉजिकल एक्सटिंक्शन जो है वो क्या है? इररिवर्सिबल है. ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट वन, बिफोर अ स्पीसीज गोज बायोलॉजिकली एक्सटेंट इट गोज थ्रू टू अदर स्टेजेस. मतलब बायोलॉजिकल एक्सटिंक्ट होने से पहले वो दो स्टेजेस से यहाँ से कवर होके जाता है. बायोलॉजिकल एक्सटिंक्शन तो क्या है कि अर्थ पे कहीं पर भी उस स्पीसीज का कोई मेंबर नहीं मिलेगा. फर्स्ट वन यहाँ पे क्या है? लोकल एक्सटिंक्शन. पहले तो जिस एरिया में वो मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल उस एरिया से वो एक्सटिंक्ट होता है, और हो सकता है कि वो वर्ल्ड के किसी और जगह पे प्रेजेंट हो, ये पॉसिबिलिटी है. बट लोकल एक्सटिंक्शन जो वहाँ का है वहाँ से वो एक्सटिंक्ट हो चुका है. नेक्स्ट वन इज अ इकोलॉजिकल एक्सटिंक्शन. सो फ्यू मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज आर लेफ्ट दैट इट कैन नो लॉन्गर प्ले इट्स नॉर्मल इकोलॉजिकल रोल इन द कम्युनिटीज. इतने कम बचे हुए हैं कि वो अपना जो नॉर्मल इकोलॉजिकल रोल है उसको प्ले नहीं कर पा रहे हैं उनकी कम्युनिटी में. तो सेकंड वन इज अ इकोलॉजिकल एक्सटिंक्शन. तो इन स्टेजेस से होते हुए बाद में बायोलॉजिकल एक्सटिंक्शन होता है. नेक्स्ट वन इज द बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन. बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन क्या हो जाएगा? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल एंड लो लेवल एक्सटिंक्शन that goes on continuously due to changes in the environment conditions. Such changes could be small or big, gradual or sudden. ये इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, बट ये हमारे environmental conditions की change होने की वजह से होता है. जैसे कि हमारा अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या हमारा इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो एक्सटिंक्शन वहाँ पे हो रहा है वो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन है. या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे अर्थ किसी भी चीज़ से अगर मान लो हिट किया किसी पोर्शन में, और वहाँ का कुछ जो लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज जो है उस एरिया के एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ये इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं जो इफेक्ट डालते हैं वो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन में आती हैं. तो हो सकता है कि वो कुछ ग्रेजुअल भी हो सकती हैं या फिर एकदम से सडन भी हो सकती हैं, स्मॉल भी हो सकती हैं, बिग भी हो सकती हैं. तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो होती है. लाइक अगर मैं बोल दूं कि क्लाइमेट चेंज है, तो आप बोल सकते हो कि जो करंट प्रोसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो ग्रेजुअल है थोड़ा सा, लेकिन बाद में जो है वो एक उसका लार्ज इफेक्ट में वो कन्वर्ट हो सकती है. तो जो नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो चेंजेस होते हैं वो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन. अ मास एक्सटिंक्शन इज अ ग्लोबल कैटास्ट्रोफिक इवेंट विद मोर देन 65% ऑफ ऑल स्पीसीज बिकमिंग एक्सटिंक्ट ओवर सम मिलियंस ऑफ ईयर्स. मतलब काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर में जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते हैं तो उसको मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं. तो अब तक का जो सबसे सिवियर एक्सटिंक्शन था अकर्ड अबाउट 225 मिलियन ईयर्स अगो वेन 95% ऑफ मरीन स्पीसीज वेनिस्ट. सबसे ज़्यादा जो है वो ये था. आपको ये टाइम याद रखने की ज़रूरत नहीं है कब था, लेकिन जो मास एक्सटिंक्शन ये होता है कि इतने 95%, मतलब एक मास एक्सटिंक्शन वर्ड से ही पता चल रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, तो वो आपका मास एक्सटिंक्शन में आता है. तो 95% जो है वो मरीन स्पीसीज वैनिश हो गए थे, सबसे ज़्यादा वो था. और जो सबसे फेमस है 65 मिलियन ईयर्स अगो जो हुआ था, दैट इज द डायनासोर का, विच हैड रूल्ड द वर्ल्ड फॉर 140 मिलियन ईयर्स. इतने सालों तक वो जो है यहाँ पे रहे हैं, और 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स का जो एक्सटिंक्शन था वो सबसे ज़्यादा फेमस मास एक्सटिंक्शन था. तो ये मास एक्सटिंक्शन है, आपको वर्ड पता होना चाहिए, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन आपको पता होना चाहिए, और बायोलॉजिकल एक्सटिंक्शन पता होना चाहिए. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. देखिए, विद इन बायोलॉजिकल कम्युनिटीज सम स्पीसीज आर इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द एबिलिटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अदर स्पीसीज टू परसिस्ट इन द कम्युनिटी. सच स्पीसीज आर कॉल्ड, ऑप्शन देखिए, कीस्टोन स्पीसीज,
एलोपेक्ट्रिक स्पीसीज, सिम्पेट्रिक स्पीसीज, थ्रेटन स्पीसीज, तो अभी हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं ये, तो ये कौन से हो जाएंगे आपके की स्टोन स्पीसीज। डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अदर स्पीसीज। नेक्स्ट वन, आज की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है तो इस क्वेश्चन को समझाने का तो कुछ है नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजिकल एक्सटेंशन? इकोलॉजिकल एक्सटेंशन में बताया था आपको लोकल और इकोलॉजिकल। द स्पीसीज नो लॉन्गर फाउंड इन द एरिया इट वंस इनहेबिटेड, नो लोकल था ये। इट इज द सेम एज बायोलॉजिकल एक्सटेंशन, नो। बायोलॉजिकल एक्सटेंशन के दो ये स्टेजेस से होकर निकलता है। इट इज एन एंडेमिक टू एन एरिया, सो फ्यू मेंबर्स आर लेफ्ट दैट स्पीसीज कैन नो लॉन्गर प्ले इट्स नॉर्मल इकोलॉजिकल रोल इन द कम्युनिटी। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिगार्ड टू कीस्टोन स्पीसीज? दे प्ले रोल्स अफेक्टिंग मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। दे डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अदर स्पीसीज टू सर्वाइव। वेन अ कीस्टोन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट इट कुड रिजल्ट इन अ कैस्केड ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ अदर स्पीसीज, दे आर इंडिकेटर स्पीसीज। तो फोर तो होगा नहीं, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, मान लो अगर आपने पहले फोर ऑप्शन ही पढ़ा, दे आर इंडिकेटर, हो सकता है ना सीधा दिख यही जाए, तो ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इन ऑप्शन के लिए आपको सिर्फ क्या सर्च करना है, सेकंड सेकंड को देखो। दे डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अदर स्पीसीज टू सर्वाइव, तो ये सही है, तो अपने आप से आंसर क्या हो जाएगा सी। बाकी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट और थर्ड को आपको रीड करने की भी जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से जो वो आप अपना टाइम सेव कर पाते हैं, ये छोटे छोटे से ट्रिक। और ये ट्रिक उस टाइम पे ध्यान नहीं आएगा, अगर आप अभी क्वेश्चंस में इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो ये अपने आप से उस टाइम पे आपकी हैबिट बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को हिट करें ताकि आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।